हजारीबाग जिले के बरखठा थाना अंतर्गत ग्राम मैरमगड्डा निवासी इस्माइल मियां जी को की बहुत ही गरीब लाचार व दिव्यांग है। पिछले कई सालों से अपने पुत्र को लेकर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इस्माइल मियां ने बताया इनके पास आवास नहीं है। 3 साल पहले पीएम आवास दिलाने के नाम पर दो लोगों ने कभी 400 200 कभी 1000 करके 9500 रूपये ठग लिए। आज तक उन्हें न तो आवास मिला न ही पैसा। पीड़ित व्यक्ति ने कहा, मैं पहले पैर से लिखता था पर 3 माह पूर्व पैर में लकवा मार देने के कारण मेरा पैर भी काम नहीं कर रहा, न मैं सही से इलाज करा पा रहा हूं। उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नाम से आवेदन लिखकर बरही डीएसपी नाजीर अख्तर को सौंपा और अपनी समस्या सुनाई। मौके पर डीएसपी ने बरकठा थाना प्रभारी विक्रम कुमार को जानकारी देकर जल्द समस्या को समाधान करने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने को लेकर विभिन्न तरह की योजना चलाई जा रही है, मगर दलालों बिचौलियों की वजह से लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। या तो दलालों के चक्कर में पड़कर ठगे जाते हैं, हर दिन योजना के लाभ के आस में ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते आखिर में थक कर छोड़ देते हैं। अगर सरकार जांच करे तो सबसे ज्यादा अमीरों को सरकारी योजना का लाभ मिलता है, चाहे पेंशन योजना, पीएम आवास, राशन कार्ड हो। अब देखना है कि इस लाचार और परेशान व्यक्ति को कब इंसाफ मिलता है। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इस्माइल मियां सर कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मैरमगड्डा सर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बरखठा प्रखंड में सर। क्या समस्या हुआ आपके सर, क्या दिक्कत हुआ? मेरा समस्या सर प्रधानमंत्री आवास में लिया गया पैसा सर, शकुर मियां। कौन है ये? उसका पिता नाम है केवल मियां सर, स्वर्गीय। कहाँ के रहने वाले? बरखठा रहने वाला सर। कब दिए थे पैसा? ये 2.5 साल हो गया सर, और अबर लिया है अबर दो तारीख तीसरा महीना 2022 का सर। कितना लिया पैसा सर? अबर 3000 ले लिया सर। टोटल पैसा कितना दिया सर? टोटल पैसा सर 9500 रुपया लिया है सर। 9500 ले लिया। हाँ सर। कितने व्यक्ति लिए आपसे पैसा सर? आपसे कितने लोग मिलकर ठगे हैं? दो आदमी। तो इसका आवेदन कहीं दिए हैं आप? आवेदन कहीं नहीं दिया सर। नाम नहीं दिए हैं? नहीं सर। नहीं, उनका नाम बताओ। प्रीतम जी सर। प्रीतम जी कौन है ये? ये प्रजापति है सर, ये कजन मुंशी है कि क्या पता नहीं सर। तो क्या कह के लिए थे आपसे? रहने वाला सर। क्या कह के लिए थे पैसा? प्रधानमंत्री आवास में विजय जी के नाम से और सुचित बाबू के नाम पर लिया सर पैसा। सुचित बाबू लंबे था, गोरा गोरा था सर, हमको मिलवा दिया उससे। अच्छा। और बात करा दिया सर। अच्छा। कि इसका कर दीजिए पैसा, हम लोग देंगे आपको। अच्छा, तो आप साइन कैसे करते हैं? देखिए सर, ये पैनवा पैर से साइन करते थे सर पहले। अच्छा। सर आप लकवा मार दिया 3 महीना सर। अच्छा। तो हम पैन नहीं पकड़ाता इसमें, तो हाथ में रस्सी से बांध देते हैं पैन और लिखते हैं सर। अच्छा, तभी तो आवास में आप लिस्ट नहीं सर? नहीं, नहीं आवास में कुछ नहीं। अभी बोला 2 तारीख के सर के पैसा डाला गया है, ये प्रीतम जी बोला, शकुर जी बोला। अच्छा। और जाइए जाकर निकाल लीजिए और 300 रुपये और दीजिए आकर यहाँ। आप बोले फिर निकाल के देते हैं, आप पैसा आइए नहीं है सर। और अभी धमकाया सर कि नहीं से दीजिए डीएसपी साहब को, दीजिए क्या करेगा देख लेंगे, ऐसा बोल रहा है सर। अच्छा, धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है सर। ये प्रीतम जी फोन किया होगा ना कि आया गया है सर। अच्छा। हाँ सर। तभी आवेदन भी था यहाँ दिए? नहीं दिए, अभी दिए हैं, अभी बना के रखे हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं? वही तो चाहते हैं सर कि ले लिया है पैसा वापस कर दे। अच्छा, नहीं चाहिए आपको? नहीं, अपने मतदान के सर के नहीं मिलेगा इस ठग बुद्धि का काम करके। ये आवेदन किन के नाम से लिखे हैं? डीएसपी साहब नाम से। अच्छा, उनको देना है आवेदन? हाँ सर। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।